कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बॉक्स ऑफिस के बादशाह बने शाहरुख खान, कमाई में तोड़ा खुद का ही रिकॉर्ड। फिल्म बाजीगर में शाहरुख खान ने कहा था, हार कर जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं, और आज का दिन किंग खान के लिए कुछ ऐसा ही है। शाहरुख खान की फिल्म जवान का फैंस को बेसब्री से इंतजार था, और 7 सितंबर को ये इंतजार फिल्म की रिलीज के साथ खत्म हुआ। ऐसे में दर्शकों ने फिल्म पर जमकर प्यार लुटाया, और नतीजा ये रहा कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की। अपने जबरदस्त कलेक्शन के साथ शाहरुख खान की फिल्म ने अपने नाम कई रिकॉर्ड किए, और अब बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का खिताब भी अपने नाम कर लिया है। जवान ने जहां 16 दिनों में 7.6 करोड़ की कमाई की थी, तो वही अब 17 दिनों का कलेक्शन भी सामने आ गया है। दूसरे हफ्ते में जवान की कमाई बॉक्स ऑफिस पर गिर गई थी, लेकिन अब वीकेंड पर जवान के बिजनेस में उछाल आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान की फिल्म ने 17 दिनों में 13 करोड़ का कलेक्शन किया है। जवान को रिलीज हुए अब 18 दिन हो चुके हैं, और फिल्म अब घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ के क्लब में एंट्री करने की तरफ बढ़ रही है। जवान के जरिए शाहरुख खान ने सनी देओल के हाल ही में रिलीज हुई फिल्म गदर 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है। गदर 2 ने 50 दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब तक 522.84 करोड़ का बिजनेस किया है। वही जवान ने 17 दिनों में कुल 546.58 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसी के साथ शाहरुख खान ने जवान के जरिए अपनी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म पठान का लाइफ टाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बता दें कि पठान का लाइफ टाइम कलेक्शन 546.51 करोड़ रुपए है। अपने इस शानदार कलेक्शन के साथ जवान बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इससे पहले ये रिकॉर्ड शाहरुख खान की फिल्म पठान के नाम था, जो कि इसी साल जनवरी में रिलीज हुई थी। जवान के बाद अब शाहरुख खान फिल्म दंगी के साथ नए रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। फिल्म 22 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी, जिसमें उनके साथ तापसी पन्नू स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। क्या कहते हैं बाजीगर?